दोस्तों, भारतीय सेना में लगातार बदलाव हो रहे हैं। आधुनिक हथियार से लेकर यूनिफॉर्म के बदलाव के बाद अब इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट में भी बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे माना जा रहा है कि हमारी आर्मी मॉडर्नाइजेशन की राह पर है। दोस्तों, अब सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम को लेकर एक औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। सेना के मॉडर्नाइजेशन में अग्निपथ योजना का सबसे अहम रोल होने वाला है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद से सेना को और भी ज्यादा मॉडर्न किए जाने में मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, सवाल है कि आखिर इस योजना में क्या अलग होने वाला है जिसके कारण सेना को आधुनिकीकरण की राह पर माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जानते हैं कि इसमें भर्ती प्रोसेस किस तरह बदल जाएगी, तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह योजना तीनों सेनाओं के लिए है जिसे टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाएगा। योजना का नाम अग्निपथ प्रवेश योजना है जिसमें तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की जाएगी। दोस्तों, खास बात यह है कि पहले सेना में भर्ती होने वाले सैनिक कम से कम 17 साल तक अपनी सेवाएं देते रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवा केवल 3 से 5 साल तक ही अपनी सेवाएं दे पाएंगे। दोस्तों, इन खास सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। दोस्तों, इस योजना को सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दोस्तों, इस योजना में रिक्रूट किए जाने वाले नौजवानों की 6 से 5 महीनों के लिए ट्रेनिंग और कुछ साल वो सेना में अपनी सेवाएं देंगे। इसमें अफसर और सैनिक दोनों ही भर्ती होगी। दोस्तों, ऑफिसर पदों पर रिटायर हो चुके सेना के अफसर अपनी सेवाएं देंगे। दोस्तों, माना जा रहा है कि जिनमें 25% 3 साल के लिए और 25% 5 साल के लिए चयनित होंगे, जबकि दोस्तों 50% को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वाले जवानों को सेना की तरह ट्रेनिंग दी जाएगी और जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। वो सेना के अन्य जवानों की तरह ही एंटी टेरर ऑपरेशन, खुफिया इनपुट और इन्फॉर्मेशन जैसे काम करेंगे। दोस्तों, इस तरह का योजना कई देशों में अपनाया जाता है। जब दोस्तों ब्रिटिश में वायुसेना में पायलट की कमी हो गई थी, तो इस तरह की प्रोसेस से युवाओं को वायुसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसी तरह इसराइल में भी पुरुष और महिला दोनों को ही एक बार सेना में काम करना अनिवार्य है। दोस्तों, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, रूस, सीरिया, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और म्यांमार में हर एक नागरिक को सैन्य सेवा देना जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों, इस योजना में आगे चलकर काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का कहना है कि ऐसी योजना मन चाहे नतीजे देने में विफल होगी और लंबे समय में इससे फायदा मिलने के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। इसके पीछे उनका कहना है कि भारतीय सेना नाम, नमक और निशान के मजबूत लोकाचार पर काम करती है, जबकि दोस्तों ये युवा जो केवल 4 साल के छोटी अवधि के लिए शामिल होंगे, उनमें अपर्याप्त ट्रेनिंग और उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अग्निपथ योजना के तहत केवल 3 से 5 साल के लिए काम दिया जाएगा। फिर दोस्तों, उसके बाद युवाओं का क्या होगा? वो सब बेरोजगार हो जाएंगे और दोस्तों उनके पास एक अच्छी डिग्री भी नहीं होगी, जिसके बाद दोस्तों युवा एक ऐसे वातावरण में आ जाएंगे जिसमें दोस्तों बेरोजगारी दर बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि दोस्तों, हर योजना के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब दोस्तों हमें आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। हालांकि दोस्तों 4 साल के लिए ही, लेकिन युवाओं को आर्मी में काम करने का सपना तो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम सही है या गलत, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ट्रेंडिंग खबरों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारी ऐसी न्यूजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।